हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नेहा मौर्य, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं हरी मिर्च का अचार, जो कि सर्दियों के सीजन में बनाया जाता है और खाया जाता है। ये मिर्च बहुत ही टेस्टी लगती है, खासकर दाल चावल के साथ। इसके मिर्च के अंदर सरसों के दाने की स्टफिंग करी जाती है, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस मिर्च का अचार बनाने के लिए आपको ऐसे टाइप की मिर्च की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप सब्जी में तड़का लगाते हो। तो तड़के वाली मिर्च में ही हमें बड़े साइज की मिर्च छांट के निकालनी होती है, उसी से हम अचार बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं मिर्चियाँ तोड़ ले रही हूँ, और मैं उन्हीं मिर्चियों को तोड़ूँगी जो थोड़ा सा साइज़ में बड़ी और मोटी हैं। जो छोटी मिर्ची है उसे हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अगर छोटी होगी तो स्टफिंग अच्छे से नहीं आएगी। अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको वहाँ कई तरीके की मिर्च दिखेंगी, जो कि बहुत बड़ी बड़ी साइज में होती हैं, पर वो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। और वो वाली हरी मिर्च इस अचार को बनाने में बिल्कुल काम नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, मिर्ची लेते टाइम आप इस तरीके की ही मिर्च खरीदें। तो यहाँ पर मैंने 1 kg के आसपास मिर्च तोड़ ली है, और ये सारे बड़े साइज की और मोटी मिर्च हैं। तो अभी हम इन्हें घर लेकर चलते हैं और इन्हें अच्छे से हम 2-3 बार पानी से धुल लेंगे। मिर्ची को धुल के हमने ले लिया है। अगर अभी आपके पास समय है तो आप इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, ताकि इसका जो धुला हुआ पानी है वो निकल जाए, थोड़ा सा छन जाए पानी। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसे काटना स्टार्ट कर सकते हैं। एक मिर्ची लेंगे और चाकू की नोक की सहायता से मिर्ची के बीच में ऐसे ही एक कट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें स्टफिंग करनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कट आपको बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, ताकि स्टफिंग जो है अच्छे से हो। और ये अगर ऐसे टूट जाती है तो इसे हम निकाल देंगे बाहर। गलत तरीके से कटी हुई मिर्च को हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उसमें स्टफिंग नहीं भरते बनेगा। और ऐसे ही हम सारी मिर्च को अच्छे से कट करके रख लेंगे। सारी मिर्चियों को हमने कट कर लिया है, और अभी तुरंत इसे हम धूप में डालेंगे। धूप अच्छी हो तो आप इसे 2-3 घंटा धूप में रहने दीजिए, अगर धूप कम है तो आप इसे 3-4 घंटा धूप में सुखा सकते हैं। इसको इतना सुखाना है कि ताकि इसके जो कटिंग की जगह पे जो पानी निकला है और मिर्ची का जो मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर मिर्ची के अंदर पानी होगा तो मिर्ची का अचार बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा बनाने के बाद। तो इसे हमें अच्छे से सुखा लेना है। फ्रेंड्स, मिर्ची के अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए आप यही कोशिश कीजिए कि जिस दिन अच्छी धूप हो आप उसी दिन अचार बनाएं, और मिर्ची को अच्छी धूप में सुखाएं, ताकि उसका सारा मॉइस्चर निकल जाए और आपका अचार ख़राब ना हो। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए नींबू। अगर आपके यहाँ फ्रेश नींबू है तो आप वो ले सकते हैं, वरना आप इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अचार बनाने के लिए इसके अंदर के स्टफिंग के लिए क्या क्या चाहिए, चलिए देख लेते हैं। सरसों के दाने चाहिए, पीली वाले सरसों के दाने यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ब्लैक वाले भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो
तो यहाँ पर मैंने 2 कप के लगभग सरसों के दाने लिए हुए हैं और 1 कटोरी के करीबन सरसों का तेल लिया हुआ है, थोड़ी सी हींग है, नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग और नींबू लिया हुआ है। हींग अगर अच्छी वाली है तो थोड़ी सी काफ़ी है, अगर आप मार्केट वाली पाउडर वाली यूज करते हैं तो वो आपको ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसमें फ्लेवर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो सबसे पहले हम सरसों के तेल को एक पैन में गरम करेंगे और जब तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाए तो हींग को हम तेल के अंदर डालकर इसे भून लेंगे। इस हींग में बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यूज किया है, ये थोड़ी सी हींग बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर लेके आएगी। अगर आप मार्केट की डिब्बी वाली पाउडर वाली हींग यूज़ करते हैं तो वो आपको करीबन 1 बड़े चम्मच से भर के चम्मच चाहिए होगा, तब जाकर कहीं आपके अचार में हींग का फ्लेवर आएगा। जब हींग हमारे भुन जाए, हींग का सारा फ्लेवर ऑयल में आ जाए तो गैस ऑफ कर देंगे और तेल को ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। अचार के अंदर स्टफिंग के लिए आपको सरसों के दाने को ऐसे ही दाल बनानी है जैसे ही आप उड़द की दाल यूज करते हो बिना छिलके की, 2 अलग अलग दालें होती हैं, तो बिल्कुल उसी तरह जो है इसको हल्के हाथों से ऐसे ही हम सिलबट्टे पर दर रहे हैं और इससे क्या होगा कि इसका छिलका अलग हो जाएगा और सरसों के अंदर जो दाल है वो अलग अलग हो जाएंगी। तो सारे सरसों को ऐसे ही दरोड़ने के बाद सूप की सहायता से इसके छिलके को हम साफ कर देंगे। छिलका जब हमारा निकल जाएगा तो सरसों के दाल हमें मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये सरसों रेडीमेड तैयार मार्केट में मिलती भी है, अगर आप चाहें तो मार्केट से इसे परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये तरीका नहीं पसंद आता है और आप मार्केट से भी नहीं परचेज करना चाहते तो आप इस सरसों के दाने को मिक्सर जार में डालकर जो है ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इसे पीसना नहीं है क्योंकि पीसने से टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने छिलके को साफ़ कर दिया है, ये सरसों का छिलका है सिर्फ, छिलके को मैंने सूप की सहायता से निकाल दिया है और ये रही सरसों की दाल, अंदर की जो दाल है वो अलग हो गई है और छिलका अलग हो गया है। तो आपको यही यूज़ करना है अचार बनाने के लिए। अगर आप मिक्सर जार में ग्राइंड करेंगे तो यही होगा कि जिस तरीके से ये दाल तैयार हुई है अलग अलग, वो तरीके से दाल तैयार नहीं हो पाएगी और जो सरसों का छिलका है वो भी नहीं अलग हो पाएगा। अगर आप मिक्सर जार में ग्राइंड करके बनाएंगे तो सरसों के छिलका और दाल दोनों जो है कट जाते हैं उसी में एक साथ, लेकिन अचार बनाने के बाद टेस्ट में कोई ज़्यादा जो है चेंज नहीं आता है। आप मिक्सर जार में भी ग्राइंड करके अचार बना सकते हैं। मैं दोनों तरीका आजमाती हूँ, कभी कभार मैं मिक्सर जार में भी ग्राइंड करके बनाती हूँ और कभी कभार मैं सिलबट्टे पर जो है सरसों की दाल तैयार करके भी मैं अचार बनाती हूँ। तो दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं। मिर्ची को सुखाते हुए यहाँ पर 2 से 3 घंटा हो चुका है, धूप अच्छी थी तो इतना समय काफ़ी था। और ये देख सकते हैं कि जहाँ से हमने मिर्ची में कट लगाया था वो बहुत ही अच्छे से सूख गया है, मिर्ची में ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं दिख रहा है। मिर्ची को लेकर हम अब चलते हैं और अचार बनाने स्टार्ट करते हैं। इतनी सारी मेहनत के बाद अभी हम पहुँचे हैं फाइनल राउंड पे और अभी हम बनाने वाले हैं अचार के अंदर भरी जाने वाली स्टफिंग। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरसों के अंदर हम ऐड करने वाले हैं हींग वाला ऑयल, ये ऑयल हमने पहले ही बना के रख दिया था। इस अचार को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, स्टफिंग के अंदर हमें इतना ही ऑयल यूज़ करना है ताकि स्टफिंग की बाइंडिंग अच्छी हो जाए बस। और अभी इसमें हम ऐड करेंगे नमक, नमक आपको खोला रखना है क्योंकि मिर्च में अलग से नमक नहीं ऐड होगा, यही स्टफिंग ही मिर्च के अंदर जाएगी। 1 kg के आसपास हमारी हरी मिर्च है तो उस हिसाब से यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 नींबू का यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा नींबू का यूज़ करेंगे तो पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और मिर्च बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये गलती मुझसे हो चुकी है तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। 1 kg हरी मिर्च के लिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 नींबू का यूज़ किया। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी मिर्च और इतनी सारी स्टफिंग में सिर्फ 2 नींबू तो खट्टा कैसे होगा? तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको बताती हूँ इसका लॉजिक क्या है। ये जो येलो वाली सरसों है ना, ये जब अभी मिर्ची के अंदर भरी जाएगी और 7 से 8 दिन तक धूप में रहेगी ना तो खट्टी हो जाती है,
ये सरसों ना बहुत ही अच्छा टेस्ट लेकर आती है मिर्च के अंदर। आप सोचेंगे कि खट्टा करने के लिए आप नींबू ज़्यादा ऐड कर दें और पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और इससे क्या होगा कि आपका अचार ख़राब जाएगा। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, नींबू दो ही यूज़ कीजिएगा, तीन यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा, उससे ज़्यादा आपका अचार खट्टा हो जाएगा जब ये धूप में पकेगा। हाँ, अगर आप ब्लैक वाले सरसों यूज करते हैं तो थोड़ा उसका टेस्ट अलग आता है, क्योंकि येलो वाले सरसों ज़्यादा खट्टापन लेके आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में हमने स्टफिंग भी तैयार कर ली और भरना भी स्टार्ट कर दिया। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, यहाँ पर स्टफिंग के अंदर हमने दो नींबू ऐड किया, हींग वाला सरसों का ऑयल ऐड किया, नमक ऐड किया, बस ये तीन चीज़ें हमने ऐड करी हैं इसके अंदर। और नमक आपको थोड़ा सा खुला रखना है क्योंकि मिर्च के अंदर उसको एडजस्ट होना है ना। तो बस इतनी चीज़ें ऐड करके हमने स्टफिंग तैयार कर ली है। और ये भी आप देख रहे हैं कि स्टफिंग बहुत ज़्यादा गीली नहीं है, इतनी ज़्यादा है कि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जा रही है मिर्च के अंदर भरने के लिए। तो बस ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा सा स्टफिंग लेकर हर एक मिर्च के अंदर आपको ऐसे ही भरते जाना है। एक तरीका ना मैं आपको और बता रही हूँ जिससे आपका मिर्च का अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और काफ़ी समय के लिए टिकाऊ हो जाएगा। अभी जब आप इस अचार को एक कंटेनर के अंदर भरेंगे और उसको धूप में रखेंगे सूखने के लिए, दो तीन दिन के बाद आप क्या देखेंगे कि कंटेनर के अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो नमक गया है ना मिर्च में, ये बहुत ज़्यादा पानी अभी रिलीज़ करने वाला है। तो क्या करना है आपको, बस वही रिलीज़ हुआ पानी आपको बाहर फेंक देना है निकाल के। अब आप ये मत सोचिएगा कि उसमें मसाले हैं, उसका टेस्ट अच्छा है तो मिर्ची का टेस्ट ख़राब हो जाएगा पानी निकलने के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं है। मिर्ची का अचार बिल्कुल आपका वैसे ही रहने वाला है सेम टेस्ट का, बस आपको पानी निकाल देना है ताकि आपका अचार ख़राब ना हो। इस अचार को रेडी होने में 10 से 12 दिन लग जाएगा। 10-12 दिन तक आप इसे अच्छी धूप में पकाते रहिए और जो भी पानी इसके अंदर अगर रिलीज होता है तो आप इसे निकाल दीजिए। 10 से 12 दिन के बाद आपका अचार खाने के लिए रेडी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आप इसे पानी लगे हुए हाथों से बिल्कुल ना निकालें, गीले हाथों का यूज़ ना करें अचार निकालने के लिए, या फिर चम्मच का यूज़ करें। और डेली यूज़ के लिए आप अलग से एक छोटे कंटेनर में अचार रख सकते हैं, इससे आपको बार बार बड़े कंटेनर से अचार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका अचार सेफ रहेगा। बातों बातों में पता ही नहीं चला इतने सारे मिर्च को मैंने कब भर के रेडी कर लिया। और अब बारी है इसको एक कंटेनर के अंदर रखने की। इसको रखने के लिए आप बड़े साइज का कंटेनर यूज करें, क्योंकि इसको आप दबा दबा के बिल्कुल ना भरें। दबा दबा के भरेंगे छोटे कंटेनर के अंदर तो इसके जो सारे मसाले हैं अंदर के बाहर निकल आएंगे और अचार बहुत ज़्यादा देखने में ख़राब लगेगा। तो बड़े से कंटेनर में जो है आराम से इसको रखें। कंटेनर को अच्छे से धूप में सुखा लें, कंटेनर के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। 10 से 12 दिन तक धूप में पकाने के बाद इस मिर्च का कलर ग्रीन से ब्राउन हो जाता है, क्योंकि नमक और नींबू मिर्च का कलर चेंज कर देते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इस सर्दी के सीज़न में आप ये मिर्ची का अचार ज़रूर बनाएं और अपने खाने का स्वाद दोगुना बढ़ाएं। और ध्यान रहे, जिस टाइम आप ये बनाएं उस दिन धूप अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिर्च सूखेगी नहीं अच्छे से, मॉइस्चर नहीं जाएगा उसका, तो आपकी मिर्च का अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अचार को बीच बीच में धूप दिखाते रहना चाहिए, इससे अचार ख़राब नहीं होता है। वो भी चाहे किसी भी चीज़ का अचार हो, मिर्च का, आम का, धूप में रखने के बाद आपका अचार और भी ज़्यादा दिन तक टिकाऊ हो जाता है। अगर आप मेरे तरीके से सरसों को नहीं ग्राइंड करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मिक्सर जार में इसे ग्राइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको सरसों मोटी पीसनी होगी। उसके बाद यहाँ पर जो जो भी मैंने ऐड किया है, नींबू, नमक और हींग वाला ऑयल, सब कुछ आपको वैसे ही ऐड करके स्टफिंग तैयार करनी है। मिर्ची का अचार का टेस्ट आपको बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है। तैयार की हुई सरसों भी मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, वहाँ से परचेस करके आप मिर्ची का अचार बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लेकर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।